कामयाबी हर कोई चाहता है बुलंदियों को छूना भी हर कोई चाहता है लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई चाहता है क्या उस संघर्ष से गुजरना कोई चाहता है क्या या फिर उस संघर्ष के बारे में कोई सुनना भी चाहता है क्या बिना संघर्ष के तो कभी कुछ मिलता नहीं लेकिन जिन्हें मिलता है उन्हें इसकी अहमियत भी पता होती है और फिर वो दूसरों के लिए मिसाल भी बनती हैं देश की आधी आबादी के लिए ये खास शो हम महिलाएं जो कि महिलाओं पर ही आधारित है और महिलाओं के लिए बड़ा इंस्पिरेशन है ये बड़ी प्रेरणा लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हैं और हमारे साथ हैं जाना पहचाना चेहरा देश की जानी मानी आई ऑफिसर ईरा सिंघल जो देश के लिए मिसाल हैं मैं आधी आबादी के लिए नहीं कहूंगी ईरा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू आपके बारे में हर कोई जानता है जब आपने आई ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली तब से भी उससे पहले का जो स्ट्रगल था वो भी लेकिन आज हम महिलाएं के दर्शक आप ही के मुंह से आपके संघर्ष को सुनना चाहेंगे क्योंकि कामयाबी और उसे अप्रिशिएट करने वाले तो बहुत से मिल जाते हैं लेकिन इसके पीछे का संघर्ष कैसा रहा क्या वो सफर रहा क्या अड़चने आई क्या बाधाएं आई किसने अप्रिशिएट किया किसने थोड़ा सा पीछे धकेला ये सब कुछ हम ना जा, जानना चाहेंगे शुरुआत कर लेते हैं आपके बचपन से स्कूलिंग कैसी रही पेरेंट्स कैसे सपोर्ट करते थे साथ में जो बच्चे थे वो क्या कहते थे मेरा शायद बचपन हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी थी उस टाइम पे अलग अलग इश्यूज थे एंड हेल्थ इश्यूज तो थे ही बट स्कूलिंग के लिए मैं कहूँगी अगर तो शायद मैं क्लास का वो बच्चा थी जिसके सबसे ज़्यादा दोस्त थे एंड मुझे याद है एक टाइम पर ऐसा था कि क्लास में आ, जो भी आ, मतलब दो ही ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे एक एक ग्रुप था जिसमें सात आठ लड़कियां थी और बाकी साठ लोगों की क्लास में से बाकी सारा मेरा ग्रुप था तो आ, मेरे बहुत दोस्त रहे हैं एंड मुझे स्कूल में तो कभी कोई नेगेटिविटी नहीं झेलने को मिली एंड शायद उसका एक बड़ा कारण ये था कि मैं वन ऑफ द स्कूल टॉपर्स रही हमेशा कभी मैं वन नहीं आई वो उतनी मेहनत नहीं मैं कर सकती थी और उतना इमोशनल प्रेशर नहीं मैं ले सकती थी कि इतना सोचो कि हाई रैंक लाना है बट उस आ, बट बिकॉज आई वॉजोस्त अच्छा बच्चा अच्छा, uh, तो थे थे है, बहुत अच्छा है पढ़ाई में। और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई हाँ. कर रही क्लास में टीचर्स की भी होंगी बट में वो बच्चा नहीं थी ना जो टीचर से जाके अलग अलग से बात करे मैं खुद से टीचर से अवॉइड करती थी इसलिए मैं वो उस तरीके का फेवरेट नहीं थी बट हमेशा मैं मॉनिटर या वो तो मैं ही होती थी क्योंकि मैं वो वाला बच्चा भी थी ना जो बाकी बच्चों को भी गलत नहीं करने देता तो उस तरह से तो वो थी मैं बट फैमिली में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे कभी भी ये नहीं करा गया कि इसमें तुम्हारा टैलेंट नहीं है तो तुम इसमें वो करो बट उन्हीं चीज़ों के लिए पुश करा जाता था जिसमें बच्चों का टैलेंट हो तो कभी भी आपसे एक्सपेक्टेशन वहाँ नहीं रखी गई जो आप नहीं कर सकते तो ताकि आप नीचा फ़ील करो या आप ये फील करो कि ओहो मैं तो यू you नो know, लाइफ में अच्छा रही हूँ yeah. yeah. तो तो yeah. और ये बच्चा के लायक है तो उससे करे जाएंगे। तो ऐसा नहीं था कि सबसे सेम चीज़ों पे जज किया जाता था तो अगर आप स्पोर्ट्स कर सकते हो तो आपको स्पोर्ट्स में जज किया जाएगा बट अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं आप दूसरी चीज़ में देखो चूँकि आपने स्पोर्ट्स का जिक्र किया हम बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई तो एक पार्ट हो गई जिस पर आपने बात की फिजिकल एक्टिविटीज जब होती हैं तो उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करती थी या फिर बाकी बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते थे एक्चुअली uh, क्योंकि मैं मोस्टली गर्ल्स स्कूल में थी तो बहुत सारी लड़कियां मेरी जैसी बेकार थी <laughs> तो ना आप नोटिस आउट नहीं होते थे कि आप अकेले बेकार हो तो आ, मैं स्पोर्ट्स पीरियड में मुझे याद है जब मैं दिल्ली में लरेटो में थी तो हमारा मैंने ना टेबल टेनिस ले लिया और उसमें बगल में एक चेयर्स थी तो मैं अन एक ही टेबल थी हमारे स्कूल में और हम पांच लड़कियां थी तो मैं हमेशा सीढ़ी पे बैठ के गप्पे मार रही होती थी पूरा टाइम और बाकी लोग खेल रहे होते थे और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी तुम खेलो <laughs> और फिर मैंने आ, मैं थोड़ा बहुत खेलती थी बट तो मेरा कोई बहुत खास इंटरेस्ट नहीं था और टैलेंट तो बिल्कुल भी नहीं था तो बट मैं आ, डांस में थी तो एंड मैं थिएटर बहुत करती थी तो स्कूल में कभी भी प्लेज होते थे या कोई वैसी परफॉर्मेंसेज होती थी उनमें मैं जरूर पार्टिसिपेट करती थी Hmm. तो यू नो एक्टिविटी आपके हिसाब से आपको अलाउड थी अच्छा वो क्या एज थी जिसमें आपको ये ये एहसास होने लगा था कि बाकी बच्चों से मैं थोड़ा अलग हूँ एक्चुअली मैं हाइट में बहुत छोटी थी पहले से hmm. मैं नर्सरी क्लास से सबसे आगे खड़ी कर दी जाती थी क्योंकि मैं छोटी सी थी एंड hmm. मैं क्योंकि डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए जा रही थी तो मुझे तो बचपन से पता था कि मेरी ये डिसबिलिटी है एंड मैं सच बताऊँ तो जहाँ तक दुनिया से फील करने की बात है वो मैंने डिसेबिलिटी में अपने कॉलेज तक में नहीं फेस किया जेंडर hmm. जरूर फेस किया लड़की होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन uh, जरूर फेस किया बट hmm. डिसेबिलिटी की वजह से मैंने शायद अपने कॉलेज तक में नहीं फेस किया और मुझे आज तक भी मेरे जॉब में भी नहीं कभी हुआ hmm. क्योंकि शायद मैंने uh, मैं डिसेबिलिटी के लिए एक चीज़ मानती हूँ कि अगर आप अपने डिसेबिलिटी को दुनिया को दिखाओगे कि मेरे साथ ये दिक्कत है hmm. तो दुनिया उसे दिक्कत की तरह देखेगी मैंने कभी दिखाया नहीं मैं किसी चीज़ में यू uh, नो you know, uh, मतलब मैं अपनी डिसबिलिटी को बहुत नेचुरली एक्सेप्ट करती हूँ hmm. कि ठीक है मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ ठीक है मैं ये चीज़ नहीं कर सकती तो क्या हुआ मैं उसके लिए अशेम्ड नहीं हूँ और जिस वजह से वो मेरे एक्शन में आपको एक्स्ट्रा दिखती नहीं है hmm. जब हम किसी चीज़ से डरते हैं या जिसके लिए हम अशेम्ड हैं ना तो कहीं वो हमारे एक्शंस में आने लगता है hmm. हमारे बिहेवियर में आने लगता है तो वो मेरे साथ नहीं था जिस वजह से वो कभी उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ नहीं तो अलग तो मैं शुरू से थी और मेरा ये मानना था कि सभी अलग होते हैं कोई गोरा है कोई काला है कोई मोटा है कोई छोटा है आ, तो सब अलग है और कोई बहुत लंबा है मतलब नर्सरी में भी कुछ लड़कियां बहुत लंबी है ना नेचुरली तो आ, अलग तो सब हैं तो इसमें क्या हो गया तो दैट वाज नेवर कोई ऐसी वो चीज बन नहीं पाई कभी भी हम सब की अपनी खूबी होती है जैसे कि आपने कहा और रब, आपने कहा कॉलेज टाइम तक इस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई अभी आपने जिक्र किया कि कुछ काम मैं कर पाती हूँ कुछ नहीं कर पाती हूँ आपने कहा कि मैं बचपन से जानती थी कि मैं ऐसी हूँ लेकिन साथ में जो दोस्त थे उन्होंने भी आपको इसी तरीके से स्वीकार किया वो वो ऐसे कौन से काम हैं जो करने में दिक्कत आती है अभी भी या नहीं कर आ। पाती हैं नहीं फिजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं प्योर स्ट्रेंथ बेस्ड उसमें तो दिक्कत आएगी ही क्योंकि मेरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं है तो यू नो कोई भी काम जिनमें स्ट्रेंथ का यूज होता हो उसमें तो मुझे दिक्कत आएगी सो so, वजन uh, उठाना है यू uh, नो you know, uh, कुछ कैरी करना है इधर से उधर इवन ड्राइविंग वगैरह में बिकॉज मेरी हाइट भी छोटी है और ड्राइविंग में आपको आपका बॉडी स्ट्रेंथ तो चाहिए है ना तो वो सब एक्टिविटीज़ में तो दिक्कत आती है Hmm. तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं hmm. बट मैं ये मानती हूँ कि आप थोड़ी आज खड़े माउंट एवरेस्ट चढ़ाओगे hmm. तो आप भी उस इंसान के उसमें है ना जो कर सकता है. Hmm. आप तो जीता जागता उदाहरण है कि अगर कोई कमजोरी भी है तो कमजोरी को कैसे मजबूती के तौर पर सामने लाना है और मजबूत होकर दिखाना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं और इनफैक्ट मुझे याद भी आ रहा है कॉलेज टाइम से अब तक भी कुछ दोस्तों से बात होती है जो कहते हैं नहीं हम तो सिविल की तैयारी कर रहे हैं नहीं हमें तो सिविल सर्विसेज में जाना है लेकिन जिंदगी बीत जाती है कई लोगों की जो क्लियर नहीं कर पाते और आप तो बा... मैं पढ़ रही थी आप ही के बारे में 2010 वो पहला मौका था और उसके बाद एक के बाद एक कई चांसेस थे वो पूरी स्टोरी भी हमारे दर्शकों को आप बताइएगा लेकिन उससे पहले बचपन में चूंकि आपने कहा पढ़ाई में मैं अच्छी थी ये कब सोचा था कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है मुझे ये बनना है या वो नहीं बनना है ये माइंड में सेट कब हुआ था तो जब हमारे स्कूल में पहली बार एक तो मुझे ना बचपन से कुछ ऐसा करना था जिसमें मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं मैं यू नो सोसाइटी की सेवा कर सकूं या मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं अपने काम से तो जब आई थिंक सिविक्स हमारा पहली बार पहले तो मुझे लगता था डॉक्टर बनना है मुझे क्योंकि मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी बचपन से अन आपको वही दिखता था कि वो देखो कितना कुछ कर रहे हैं लोगों को ठीक कर रहे हैं यू नो लोगों को आ, ट्रीट करके या फैमिलीज कितना वो खुश हो के जाती हैं उस तरह से जब कोई ठीक हो जाता है या किसी का ट्रीटमेंट हो जाता है तो आ, आ, मैंने शायद थर्ड फोर्थ में सिविक्स हमारे यहाँ पहली बार स्कूल में स्टार्ट हुई एंड सिविक्स जब हमारे यहाँ स्टार्ट हुई थी तो उसने वो हमें लोगों के जॉब्स के बारे में बताते थे कि प्रेसिडेंट कौन होता है चीफ मिनिस्टर कौन होता है प्राइम मिनिस्टर कौन होता है तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है वो भी बताया गया एंड hmm. उसी में आपको पता चलता है कि आई ऑफिसर होते हैं और ऐसे एक एग्ज़ाम वगैरह टाइप होता है कुछ hmm. तो उस समय क्या हुआ पर किताबों में तो ठीक है हमारे शहर में उस टाइम कम्युनल राइट्स हो गए hmm. तो ऐसे छः महीने थे जब हम स्कूल ही नहीं गए क्योंकि पूरे कर, सिटी में कर्फ्यू था hmm. uh, मेरठ की बात है ये नाइन्टीज़ hmm. uh, में uh, शुरू में काफ़ी वहाँ दिक्कतें रही हैं तो उस टाइम पे आपको डीएम एम क्योंकि कर्फ्यू में डीएम इज द मेन अथॉरिटी तो आपको डीएम का पता चलता था कि उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया और ये ऑर्डर आया है और यहाँ पे ये हो रहा है और यू नो डीएम इज़ मैनेजिंग द सिचुएशन वो गए और दंगे रोके और ये ऑर्डर yeah. दिए और ये ऑर्डर दिए तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा <laughs> कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है जिसमें तुम एक्चुअली सेव कर रहे हो लाइव इन यू नो तुम लार्जर स्केल पर चीज़ें मैनेज कर रहे हो तो तब मुझे इससे बहुत फैसिनेशन हुआ मुझे लगा कि यार यही करना चाहिए ये <laughs> अच्छा जॉब है अच्छा मेरे मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि आपके परिवार वाले कहते हैं कि आप ये बनिए पर मेरे परिवार वाले ने मुझे कभी नहीं कहा क्योंकि मेरी फैमिली में कोई सरकारी नौकरी में ही नहीं है दूर दूर तक कोई नहीं है मेरे परिवार में मैं अकेली सरकारी जॉब में हूँ जॉब नहीं सर्विस कहते हैं हम इसे तो ये मेरा प्योर पर्सनल आइडिया था बट उसके बाद हम दिल्ली आ गए तो दिल्ली में आपको ये चीज़ें थोड़ी कम पता चलती हैं दिल्ली में लोग गवर्नमेंट सर्विस के बारे में सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं इतना सोचते तो दिल्ली आके तो मुझे डॉक्टर बनना था ज़्यादा और मैं उसी के लिए चाह रही थी बट टेंथ में पापा ने कहा कि बेटा तुम खुद पेशेंट दिखती हो तुमसे कोई नहीं इलाज कराएगा एंड बात तो सही थी कहीं पर तो फिर पापा ने मुझे टेंथ के बाद बायो नहीं लेने दी एंड पापा खुद इंजीनियरिंग साइड से थे तो उनका ये था कि इंजीनियरिंग कर लो और मैं कंप्यूटर्स में अच्छी थी तो स्पेसिफिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने करी बट इंजीनियरिंग के दौरान समझ आ गया भाई तुम्हारे बस की नहीं है ये और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टैलेंटलेस थी इट्स जस्ट दैट इंटरेस्ट इतना कम था कि आप टैलेंटलेस ऐसे हो जाते हो कि आपका मन ही नहीं करेगा ना वो करने को कुछ इंटरेस्ट था कि मुझे तो ऑर्डर देना है नहीं ऑर्डर नहीं देना है मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे चीजें फिक्स हो जिससे दुनिया ठीक हो यू नो लोग दुनिया प्रॉब्लम्स कुछ ठीक हो और प्रॉब्लम से मुझे याद आया बहुत छोटी थी शायद थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में जब भूकंप आया था और आपने जितना अपना गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए हुए थे आपने वो भी डोनेट कर दिए थे कि नहीं मुझे कुछ करना है ये बचपन से था आपके अंदर हाँ. fact, मेरे स्कूल में कोई बच्ची को बुखार होता था जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आते थे मैं उसके सर पे पट्टियाँ कर रही होती थी hmm. पानी ले यू नो वहाँ से ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन से पानी ले uh, पेप पे, के गीला कर कर के पट्टियाँ करती रहती थी मैं कि इसका फ़ीवर नीचे आ जाए मैंने स्कूल में बहुत काम किए हैं hmm. uh, लोग ना किसी को चोट लग गई तो उसको uh, जो भी ट्रीटमेंट करना है उस टाइम पर तो मैं ऐसे बहुत काम करती थी सो uh, so, uh, हाँ ये तो मेरा मेन uh, चीज़ वही थी कि सम हाउ सम यू नो कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड एंड दुनिया को कुछ देने की वो और ये जो पट्टी करने वाली बात आपने कही है वो अंदर से डॉक्टर बनने का जो एहसास था वो ही अंदर से जागता होगा हाँ, 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 तो, मतलब <laughs> कि डॉक्टर नहीं बनना है लेकिन पापा ही तो बड़े सपोर्टिव रहे कि हाँ मेरठ से दिल्ली आना है ताकि बेटी की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए जो जो उनकी सेविंग्स थी उन्होंने घर नहीं लिया उन्होंने किराए का घर लिया ताकि बेटी की पढ़ाई में किसी तरह से कोई बाधा ना आए एंड ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि मुझे इसलिए नहीं मना किया गया कि तुम लड़की हो या तुम नहीं कर सकती hmm. मतलब उस वजह से रीज़न बहुत प्रैक्टिकल था कि तुम hmm. क्यों नहीं कर सकती हो क्योंकि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी चाहिए होती है hmm. और शायद तुम उतनी स्ट्रेंथ नहीं कर पाओ तो बहुत प्रैक्टिकल रीज़न था hmm. जिस वजह से आ, मेरे लिए मानना भी आसान था hmm. मेरे को कभी मैं कह रही हूँ ना कि वो नहीं कहा गया कि तुम यू नो you know, मेरी डिसबिलिटी को कभी

वो वो किस्सा जरूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे क्योंकि मैंने कहा ना सिविल सर्विसेज को लेकर तो कॉलेज टाइम से लेकर वो कई साल या फिर कई कई बार तो दर्शक बीत जाते हैं लोग नहीं क्लियर कर पाते लोग नहीं कामयाब हो पाते 2010 से ये किस्सा शुरू होता है फिर 2014 तक कैसे आया तो 2010 में जब मैंने पहली बार दिया तो तो एग्जाम में दो स्टेप होते हैं मतलब एग्जाम पास करने के बाद पहला आता है आपका रैंक लिस्ट जो यूपीएससी निकालती है सेइंग कि आपका ये रैंक आया है उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो निकालती है कि आपको इस रैंक के बेसिस पे क्या सर्विस मिली है क्या जॉब मिला है yeah. मेरे केस में डी यूपीएससी ने तो रैंक निकाला पर डी ने मुझे कोई सर्विस नहीं अलॉट करी yeah. तो हुआ ये की अच्छा मुझे ये पता था मैं तो अपना जो कॉपोरेट का जॉब है वो छोड़ के सिर्फ इसलिए आई थी कि मुझे आई या आई में जाना है और मैंने कुछ सोचा नहीं था क्योंकि मैं कोई सरकारी जॉब नहीं ढूंढ रही थी मैं एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क ढूंढ रही थी मैं एक स्पेसिफिक hmm. तरीके के काम के लिए आई थी तो मैंने आ, वो रैंक देखा मुझे लगा ये तो नहीं मिलेगा तो मैंने तो दूसरी बार की तैयारी कर दी स्टार्ट फिर मुझे उसके बीच में फ़ोन कॉल्स आने लगे लोगों के अरे तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ hmm. और मुझे तो लगा ही नहीं था मेरे साथ कुछ हुआ है आई वॉज़ लाइक क्या हुआ तो आ, अगर आपको बार बार लोग फ़ोन करके पूछें कि ओह तुम्हारे साथ तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ और आपको लगता ही नहीं है कि आपके साथ कुछ हुआ है तो आप पता करने तो लगोगे ना कि भाई क्या हुआ है डेन आई आर फाइंडिंग आउट कि हुआ क्या है जिस वजह से मुझे फोन आ रहे हैं एंड uh, तब मुझे पता चला कि मेरे को डी ने कोई सर्विस नहीं एलोकेट करी नहीं। और मुझे नहीं पता था कि स्टेप एक्चुअली ये होता है तो एंड फिर मैंने पता करना की कोशिश करी कि ये हुआ क्यों मुझे सर्विस क्यों नहीं एलोकेट करी और उसने पता चला कि मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मुझे ये सर्विस नहीं एलोकेट करी गई है क्योंकि मेरी जो डिसेबिलिटी है उसे कोई भी सर्विस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है अगर आपको किसी इंसान को रॉली really, रली really किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी है आपको किसी को इंसान बिल्कुल नहीं पसंद है और आप उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हो तो उसे बस ये बोल दो कि तू बहुत इंटेलिजेंट है तुझे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे देना चाहिए इंसान की जिंदगी बर्बाद है ये इससे बुरा सेल्फ का आपने खुद किया है अपने साथ फिजिकल मेंटल इमोशनल फाइनेंशियल टॉर्चर कुछ नहीं हो सकता आप एक कमरे में अपनी ट्वेंटीज में बंद हो जाते हो जब सारी दुनिया जॉब स्टार्ट कर रही है कमा रही है शादी कर रही है घूम फिर रही है सब कुछ कर रही है आप एक कमरे में बंद हो आप सेम चीज बार बार पढ़ रहे हो और सेम एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हो और आपको कभी नहीं समझ आ रहा आप क्यों फेल हो रहे हो यू नो बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिशन उतनी ही सीटें हैं तो अगर आपको किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है तो ये सबसे प्यारा तरीका है उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसके साथ क्या किया जो इंसान इसको देने के बाद बाहर निकलता है सोचिए किसी चीज पे सालों तक फेल होने के बाद आपका मेंटल स्टेटस क्या रह जाएगा आप किसी और चीज को करने के लायक रह जाएंगे एंड आप हर चीज में पीछे हो चुके हैं आपका उतना बड़ा गैप है तो आपको दूसरी नौकरी मिलनी दूसरा करियर सेटल करना कितना मुश्किल है तो ये बहुत अच्छा रिवेंज का तरीका है तो मैं इसलिए एग्जाम बिल्कुल नहीं देना चाहती थी एक चौथी बार मुझे लगा था बस हो गया बट uh, एंड uh, मैं ढूंढ रही थी कोई तो रीज़न मिल जाए ना देने का बट एग्ज़ाम से दो हफ्ते पहले uh, मैंने एक महीने पहले तैयारी स्टार्ट करी फिर से क्योंकि भाई अब एक्सक्यूज़ कम बचे थे एंड एग्ज़ाम से दो हफ्ते पहले चिट्ठी आई कि एग्ज़ाम से अगले दिन आके ज्वाइन करो तो मैं अब कैसे एग्ज़ाम छोड़ दूँ ना तो एग्ज़ाम भी मैंने दे दिया और मैंने बट अगले मतलब जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ चौथी बार का सारी किताबें फेंकी मतलब बेच दी रद्दी में एंड uh, सारा मटीरियल कंप्यूटर से डिलीट सब कुछ इरेज आउट कि मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया मैं इसे जानती ही नहीं हूँ एंड uh, जाके ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली बट uh, इस बार जब फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे आई मिल गया इसे कहते हैं डेस्टिनेशन जहाँ आपको जाना होता है वहाँ आप चले जाते हैं बस थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये बहुत पेशेंस के साथ आपने किया कि एक बार दो बार तीन बार फिर चौथी बार अच्छे अच्छे हिम्मत हार जाते हैं या फिर अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं या रास्ता डाइवर्ट कर लेते हैं ये संघर्ष की कहानी थी आज कैसा लगता है आई थिंक uh, मैंने जैसा uh, मैंने ना कोई एक्सपेक्टेशन इस दुनिया से नहीं लगाई थी इस सर्विस uh, से नहीं लगाई थी मेरी सिर्फ ये uh, ख्वाहिश थी कि मैं कुछ दे सकूं। तो इस वजह से uh, मैं मौके ढूंढती हूं और मुझे मिल जाते हैं तो इसलिए मैं तो बहुत खुश हूं एंड मेरे लिए तो ये बिल्कुल सही डिसीजन था मैं बहुत बचपने में नहीं आई हूँ मैं इंजीनियरिंग एम और जॉब के बाद आई हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के यहाँ आई हूँ और मुझे पता था मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ ये मैं किसी और के कहने से या किसी और को कुछ दिखाने के लिए या किसी और को कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं आई थी मैं तो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर टाइप का काम करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद से उस चीज़ में खुश रहूँगी तो वो मैं ढूंढ लेती हूँ और मेरे लिए तो ये बिल्कुल सही डिसीजन था इन दैट रिस्पेक्ट कि मैं बहुत कुछ जो कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती थी मैं कर पाती हूँ मुझे लगता है कोई सपना बाकी है अभी इन टर्म्स ऑफ दिस जॉब ये uh, एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपको सोचना नहीं पड़ता मौके अपने आप मिल जाते हैं तो मैंने यू uh, नो you know, ट्रेनिंग के दौरान भी जब कुछ सोचा होगा कि यार ऐसा प्लान करना चाहिए ऐसा कुछ करना चाहिए सम्भाव लाइफ ने मुझे चांस दे दिया कि मैं वो चीज़ कर पाई तो एंड uh, uh, मुझे ये है कि uh, मैं बहुत ज़्यादा सपने उस तरह से नहीं बनाती मैं ये सोचती हूँ मुझे और आगे यू uh, नो you know, कुछ करना है अगर तो मेरा ख्याल वहीं तक होता है एंड यहाँ पे आके मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है अपने आप मौके मिल जाते हैं हम महिलाएं के दर्शकों को आप आखिरी मैसेज क्या देंगी ईरा कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है बस मेहनत और संघर्ष चाहिए और रास्ता सही चुनना चाहिए कई बार हम गलती ये कर देते हैं कि हम दुनिया के कहने की वजह से एक रास्ते पे डट जाते हैं शायद वो रास्ता हमारे लिए हो ही ना और इस वजह से जब तक हम सेल्फ इवेल्युएशन नहीं कर पाते तब, तब तक बहुत देर हो जाती है तो मेरा ये कहना है कि अपने हिसाब से अपना जीव जीवन जियो जीव, अपने चॉइस अपने टैलेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी जर्नी चुनो एंड मोस्टली लोग तुम्हें नीचे ही दिखाएंगे मोस्टली लोग कहेंगे नहीं कर सकती लड़की है बट जिस दिन तुम मान लोगे तुम नहीं कर सकते हो उसी दिन तुम नहीं कर सकते हो एंड सपोर्ट uh, uh, दुनिया से मांगते रहोगे तो शायद नहीं मिलेगा तो जो इकलौता इंसान तुम्हें सपोर्ट कर सकता है वो तुम खुद हो क्योंकि तुम ही अपने साथ जी रहे हो तुम ही अपने 24 घंटे साथ हो एंड सबसे ज़्यादा सेल्फ सर्वाइवल इंस्टिंग जो होती है इंसान की तुम सबसे पहले अपने आप को बचाने ही आओगे hmm. तुम्हें बचाने तुम कोई और नहीं आएगा पहले तुम्हें ही आना पड़ेगा तो जो यू नो एम ये होना चाहिए कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकूँ एंड एंड uh, अपने रेस प्लान्स बनाओ अपनी ड्रीम्स देखो and, uh, ये मत करो दुनिया दुनिया क्या क्या सोचती है दुनिया क्या चाहती है और तुमसे चाहती मैं जानती हूँ कि आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है लेकिन आपने फिर भी हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला आईटीवी ग्रुप के लिए टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया थैंक यू आप बहुत बड़ी मिसाल हैं आप इसी तरह से कामयाबी पाती रहें आगे बढ़ते रहें अपना हर सपना आप पूरा करें बहुत बहुत शुभकामनाएं आप थैंक यू